नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको जो दिखाने वाला हूँ जिस औषधि या जिस आपको मैं घास के बारे में बताने वाला हूँ ये घास बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगी में क्योंकि जब आप इसका सेवन करते हैं घास तो पशु खाते हैं मगर घास इंसान भी खाता है ऐसा नहीं कि इंसान घास नहीं खाता उसकी हम सब्ज़ी बनाते हैं तो आपने तो दोस्तों आज इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं यह है सरसों का साग इसको जानवर भी खाते हैं और इंसान भी खाते हैं आपको पता है साग खाने से हमारे शरीर के अंदर कितने फ़ायदे होते हैं तो दोस्तों सरसों का जो साग होता है बहुत ही पौष्टिक होता है अगर आप सीज़न में इसको वीकली दो या तीन दिन खाते हैं मान लो कि हफ्ते में आपने इसको तीन दिन खाया है तो आपके शरीर के अंदर जितनी बीमारियाँ हैं एक तो शरीर के अंदर आयरन की जो कमी होती है आयरन की कमी ख़त्म हो जाती है क्योंकि जो सरसों का साग होता है वो हमारे शरीर में आयरन की कमी को दूर करता है साथ ही हमारे शरीर में अन्य को बीमारियाँ होती हैं जिनको भी ये दूर कर देता है और जिससे हमारा शरीर भी हिष्ट पुष्ट और हट्टा कट्टा रहता है तो दोस्तों ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद ये है कि आप लोग ने शायद सरसों का साग नहीं खाया है तो सरसों का साग जरूर खाएं क्योंकि सरसों के साग के अंदर ही हर चीज़ पाई जाती है हर इसके अंदर पौष्टिक पदार्थ होते हैं और सबसे ज़्यादा मैं बात बताने वाला हूँ कि अगर आप सरसों का साग खाना चाहते हैं तो जैसे आप मान लो कि आप कहीं गांव में गए हैं घूमने गए हैं, तो आपने देखा कि लोगों ने सरसों जो बीज रखी होती है जैसे ये बीज रखी है तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर स्प्रे नहीं होता है एक तो ये देसी खाद से होती है जैसे पशुओं की जो खाद होती है गोबर होता है ये उससे होती है ना कि इसके अंदर कोई हम यूरिया वगैरह या कोई अंग्रेजी खाद मिलाते हैं जिससे ये बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है और ये फैल जाता है मगर आपने ध्यान रखना है कि जो चीज़ हम यूरिया और अंग्रेजी खाद लगाते हैं जैसे हम तो उसके अंदर क्या होता है कि उसकी पौष्टिकता जो होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है तो उसकी खाने की क्षमता वो हमारे लिए एक जहर बन जाता है तो इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपने खाना हो तो वो नेचुरल चीज़ खाएं जैसे ये है आपको ये खा ये आपको सरसों का साग दिख रहा है तो इसको क्या करते हैं कि जैसे आ, जब भी आपने घर में भिजना है सरसों तो आपको पता ही क्या सरसों का तेल भी होता है आप सरसों अगर आपके पास थोड़ी सी जगह है तो आप इसको जगह पर भी किसी भी जगह उगा सकते हैं तो इसमें उगाने के लिए आपको पशुओं की खाद खाद जो होती है उसका यूज़ करना पड़ता है आप अंग्रेज़ी खाद ना मिलाएं क्योंकि अंग्रेजी खाद मिलाने से जो भी हमारी सब्ज़ी होती है एक तो कड़वी हो जाती है जिससे क्या होता है कि उसकी पौष्टिकता बिल्कुल ख़त्म हो जाती है तो दोस्तों हमारे शरीर की जो आयरन की कमी होती है सरसों का साग हमारे शरीर की आयरन की कमी को दूर करता है साथ ही हमारे शरीर की अनेक बीमारियाँ जिनको ये दूर करता है तो दोस्तों जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो नेचुरल चीज़ों के ऊपर बनाता हूँ ना कि अंग्रेज़ी खाद वगैरह से लगा कर उस चीज़ को बढ़ाया जाता है क्योंकि वो एक हमारे लिए ज़हर होता है तो इसलिए आप जहर ना खाएं आप नेचुरल चीज़ें खाएं जिससे आपका शरीर हमेशा फिट रहे और आपको आप कोई भी बीमारी ना लगे तो दोस्तों जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो सब्सक्राइब कर ले साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक भी करें और साथ ही बेलाइकन को जरूर दबाएँ तो दोस्तों जय हिंद जय भारत